राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है। भजन लाल शर्मा की अगुवाई में भाजपा की सरकार आने वाले 5 साल राजस्थान पर शासन करने जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं दिया कुमारी ने पद संभालते ही अपना पहला बयान भी दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकार को आड़े हाथ लेने का काम किया है। दिया कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से 5 साल राजस्थान में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है, कानून व्यवस्था एकदम जीरो है। केंद्र सरकार ने बहुत से काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन राजस्थान में वो सब कुछ नहीं हुआ है, तो वो सब लोगों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में राजस्थान को खोखला कर दिया है। कानून व्यवस्था लचर हो चुकी थी, वहीं महिलाओं की भी कोई सुरक्षा नहीं थी। राजस्थान की आर्थिक हालत भी शून्य कर दी गई। झूठे वादे और झूठी गारंटी से राज्य की जनता तंग आ गई है, इसलिए लोगों ने भाजपा में विश्वास जताया है और हमें अपना आशीर्वाद देकर भाजपा की सरकार बनवाई है। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की जो दुर्दशा कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में की है, उसे फिर से पटरी पर लाने का काम हम करेंगे। इसके साथ ही केंद्र की जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। दिया कुमारी ने कहा कि महिला अपराधों की रोकथाम हमारी प्राथमिकता पर है। उन्होंने आगे कहा कि महिला अपराधों को लेकर हमारी सरकार गंभीर है और ऐसे मसलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सचिवालय में अपना कार्यभार संभाला। हालांकि प्रेमचंद बैरवा के पद ग्रहण के दौरान कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा, केवल उनके समर्थक और परिवार के लोग ही उपस्थित रहे। वहीं दिया कुमारी के पद ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे थे। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।